हेलो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। तो कंप्यूटर खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कंप्यूटर क्षेत्र में आजकल रोजाना हमेशा कोई ना कोई नई तकनीकें बाजार में आ रही है। इसीलिए यह फैसला लेना बहुत ही कठिन हो जाता है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदें। और कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर भी है, वो आज के टाइम में आने लगे हैं, जैसे i3 है, i5 है, i7 है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर है वो आने लगे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर खरीद सकते हो या खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर एक कि लैपटॉप खरीदें या डेस्कटॉप खरीदें। लैपटॉप या लैपटॉप से बेहतर डेस्कटॉप है, इस विषय पर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है। दोनों अपनी अपनी विशेषताओं के लिए परफेक्ट है। यदि आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने बैग के अंदर डाल के, तो उस समय आपके लिए परफेक्ट लैपटॉप रहता है। और यदि आपको बैठे हुए काम करना है तो उसके लिए आपके लिए परफेक्ट डेस्कटॉप है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेंटेनेंस खर्चा होता है वो डेस्कटॉप का कम आता है और लैपटॉप का ज़्यादा आता है। जैसे लैपटॉप का माउस या कीबोर्ड ख़राब हो जाता है तो आप तुरंत उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों का अपने अपनी जगह महत्व है। यदि आप नॉर्मल अपने घर पे यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों ही बेस्ट हैं, तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से खरीद सकते हो। और डेस्कटॉप की तुलना में लैपटॉप है वो थोड़े महंगे आते हैं। यदि आप i3 का लैपटॉप खरीदोगे, उसकी प्राइस के में ही आप i5 का डेस्कटॉप भी खरीद सकते हो। तो आप अपने काम के हिसाब से लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से एक विकल्प को चुनिए। अगर आपको कहीं भी फोल्ड, जैसे कहीं भी आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो घर पे भी करना चाहते हो, और वही चीज़ सिस्टम ले जाके आप ऑफिस में करना चाहते हो, तब आपके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो चलिए आगे टॉपिक की बात करते हैं, प्रोसेसर की। बाजार में आजकल बहुत उन्नति किस्म के प्रोसेसर है वो उपलब्ध है, जैसे कि कोर i5, कोर i7 और बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत सारे प्रोसेसर है वो मार्केट में है। और चीन के भी बहुत सारे प्रोसेसर है जिनका मैं एक एक नाम बताऊंगा तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको इन प्रोसेसर की गति के बारे में अंतर पता नहीं है तो घरेलू काम के लिए आप कोर i3 या ड्यूल कोर या कोटिड्यू है वो भी आप चुनाव कर सकते हो। यदि आप हैवी प्रोसेसर लेना चाहते हो, जैसे आप हैवी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या हैवी वीडियो गेम एडिटिंग कर रहे हो, तब आपको हैवी प्रोसेसर का कंप्यूटर खरीदना चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रैम। आप अपने कंप्यूटर में रैम कितने GB रखोगे? तो आप जैसे नॉर्मल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हो, यानी घर के लिए वर्किंग कर रहे हो, या थोड़ा बहुत ऑफिस के लिए वर्किंग कर रहे हो, या टाइप का वर्किंग कर रहे हो अपने PC के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो कम से कम 2 GB आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रैम होना ज़रूरी है। जिससे क्या है, रैम की वजह से आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। तो लेकिन अगर आप कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो रैम 2 GB, आप 4 GB रैम का भी चुनाव कर सकते हो। रैम कैसा होता है वो स्क्रीन पे मैं आप लोगों को फोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रैम यहाँ पे होता है और इस पे आपको लिखा होता है कि वो कितने GB का है। तो यहाँ पे देखो, मैं गोल टिक करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पर GB लिखा हुआ है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि रैम कितने GB का है, जिसे दुकानदार आपको ठग नहीं पाएगा। और कंप्यूटर में भी आप पता लगा सकते हो कि रैम कितने GB का है। तो चलिए स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको, आप पता कैसे लगा सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको माई कंप्यूटर खोलना है। माई कंप्यूटर पे जाके आपको नीचे प्रॉपर्टीज़ पे ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तब आपके यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि रैम कितने GB है। यहाँ पे दे रखा है रैम और आगे GB में दे रखा है, यानी मेरे कंप्यूटर के अंदर 8 GB रैम है। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर कितनी रैम है, दुकानदार कितनी डाल रहा है और कितनी रैम वो बता रहा है, डाल कितनी रहा है, इसे भी आप पता
लगा सकते हो, जिससे कोई भी दुकानदार है वो आपको ठग नहीं पाएगा। तो आगे बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। सभी मदरबोर्ड के साथ ग्राफिक कार्ड है वो इंक्लूड आता है, उसके अंदर आता है, जिससे आप वेब ब्राउजिंग और मूवी गेम्स का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको तो आपके ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे वीडियो एडिटिंग या गेम एडिटिंग या हेवी प्रोसेस के कोई भी काम कर रहे हो तब आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की, जिसको आप लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी होती है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ऐसी हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क यदि आप घर या ऑफिस के लिए काम कर रहे हो या कोई बड़ा काम कर रहे हो या आपके स्टोरेज है उसको आप ज़्यादा सेव करना चाहते हो तब आपको कम से कम 500 GB तक हार्ड डिस्क आपको चाहिए। और यदि आप इसे भी बड़ा अपने लैपटॉप में या पीसी के अंदर स्टोर करना चाहते हो तब आपको मार्केट के अंदर 2000 GB तक हार्ड डिस्क है वो बाज़ार में मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स के स्क्रीन साइज। बहुत से व्यक्ति लैपटॉप का चुनाव स्क्रीन साइज से करते हैं, लेकिन लैपटॉप का चुनाव स्क्रीन साइज को देखकर कभी ना करें। और अगर आप अपने डेस्कटॉप के अंदर टीवी ट्यूनर लगाकर टीवी देखना चाहते हो तब आपको 22 इंची मॉनिटर है वो मार्केट के अंदर मिल जाएगा, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी। तो आज के टाइम में वायरलेस इंटरनेट चलाना बहुत ही ट्रेंड में है और आम बन गया है। वाईफाई की सहायता से इंटरनेट शेयर करना और बहुत ही आसान हो गया है, और आप लोग भी ऐसा कर रहे होंगे। तो इंटरनेट जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो आज के टाइम में बहुत तेज़ी से डेटा है वो ट्रांसफ़र करती है ब्लूटूथ के तुलना में, और एक सेकंड के अंदर आप 60 MB का डाटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो वाईफाई से। इसीलिए कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने से पहले ये ज़रूर जान लें कि उसके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो दोस्तों अब वीडियो देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपकी डिमांड या ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा लैपटॉप या कौन सा डेस्कटॉप खरीदना चाहिए, उसके अंदर कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, उसके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।